हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 45 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। लॉर्ड कृष्ण सेड टू अर्जुन, द वेदास मेनली डील विद द सब्जेक्ट ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। ओ अर्जुन, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety and be established in the self. सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं निहित रहती हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व होता है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख, शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार लाभ हानि की चिंताओं से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तब यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।